वालेकुम, वेलकम मुर्सलीन अहमद यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिस तरह के मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़िम्मेदार के जो दिन होते हैं वो थोड़े मसरूफ होते हैं। आजकल कपास फुल गुड्डी पे है, टिंडे वगैरह लग गए हैं, फिर कुछ मतलब चुनने के काबिल हो गया है, कुछ नहीं है। और पानी की कमी हम आने नहीं देंगे, गवर्नमेंट हमें पानी दे चाहे ना दे। तो बाकी खाले वगैरह में पानी काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, और ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है। पीछे बैक साइड पे आप देख रहे हैं मैंने चलाया हुआ है, तकरीबन 5 बजे मैंने चार बजे चलाया था, 2 घंटे हो गए हैं। और रात 12:30 तक चलेगा, और हमारी पानी की बारी है रात 1:30 बजे तक। और इसके अलावा शुरू हुआ था पानी हमारा 4 बजे, 4 बजे शुरू हुआ था, और रात 12:30 तक वो चलेगा। और मित्र ने रहना है यहीं पे, और यहीं पे रहना है। मोटरसाइकिल वो पीछे बैक पे मेरा खड़ा है 125, उस पर मैंने अब चढ़ के घर चले जाना है। शाम 7:30 बजे एक चक्कर लगा जाऊंगा। बाकी आगे बोर पे कोई भी नहीं होगा, अकेला ही बेचारा चलेगा। वैसे बैठा हूँ यहाँ पे, मलंग बैठा है, मैंने गाने वगैरह सुन रहा था एंड फ्री के साथ है। तो यही दिन चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। तो व्लॉग अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, ये पुरानी इलाका है, चोलिस्तान का इलाका आ जाता है, यानी कि ये तो जो जहाँ पे जिस चक में बैठा हूँ ये सरकारी चक है, और यानी कि आबादी का चक है, चोलिस्तान नहीं कहलाता। चोलिस्तान आगे निकल जाएँ यहाँ से, मतलब 1-2 किलोमीटर के बाद चोलिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। वहाँ पर टीले कोई मतलब इतनी खास आबादी नहीं है, आबादी थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आबादी है। ये मैं डेरे पे बैठा हूँ जहाँ पे मतलब बोर चल रहा है, और डेरे पे यही हाल होगा। ये भी किसी की कपास वगैरह खड़ी है, हमारी नहीं है, और ये भी मतलब खाली खाली प्लाट ज़्यादा पड़े हैं। ये देखें इन प्लाटों में लोग जिनका पानी है ना, पानी बहुत ज़्यादा, मतलब एकड़ का ना पानी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 22 या 25 मिनट पानी है। तो एक लाट का यानी कि आधे मुरबे का 12.5 का ना 4-5 घंटे, मतलब किसी मौके पे 5.5 एक्सी पे 4.5 घंटे पानी है। तो वहाँ पे आधे मुरबे में तकरीबन 6-6.5 एकड़ जो है ना कपास लग जाती है, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 7 ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन जगहों पे ना जो खाली आपको नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी है, इनमें गेता राया सरसों काश्त करेंगे लोग, और इसके अलावा यहाँ पे काश्त लोग करेंगे दूसरा जो ना है यहाँ पे गंदम काश्त करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ घर की तरफ और इसको छोड़ देता हूँ, अल्लाह के शुक्र कर मैं अल्लाह के शुक्र करके चला जाता हूँ, और सरसों को अल्लाह से इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। खाला फुल है, और ये फुल होने की वजह यही है कि बोर चला हुआ है, बोर की वजह ये फुल हो गया है। अगर हम बात करें तो पहले पानी इतना था जिस तरह इस काले में है। बाकी इंशाल्लाह से आपके साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ लाजमी शेयर करेंगे। आप चलते हैं घर की तरफ।